देखिए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम ज्ञापन में विश्वास नहीं करते हैं। और काम अयोध्या के लिए हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। अभी मैंने उसका उदाहरण आप सबके सामने रख दिया। अब ये सब लोग जो है वो यदि खाली खाली अखबार और फोटो में ही चलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है। हम लोग एक और आरोप है कि आज तक मोदी जी अयोध्या नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को तभी आएंगे जब माँ और भगवान राम कृपा होगी, वो उनको बुलाएंगे। मुझे लगता है, भरोसा है कि बहुत जल्दी ही वो अफसर भी, सुनहरा अफसर भी आएगा। और लेकिन वो जो काम करना चाहते हैं अयोध्या के लिए, वो वहाँ बैठ के अभी वहाँ चल रहा है। अभी 133 करोड़ की केंद्रीय योजनाएं का शिलान्यास हुआ है, तो निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी दोनों ही हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री अयोध्या के प्रति संवेदनशील है, अयोध्या के विकास का काम चाहते हैं। सर, विकास के मैं ये अपने साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जाके देखें, जमीन पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। जो टेंडर्स नहीं हुए थे वो टेंडर्स भी हो गए हैं और तेजी के साथ काम शुरू हो रहा है। और आने वाले दिनों सबसे पहले आपको काम सब नजर आने लगेगा। तो ये आज मुख्यमंत्री ने इसके लिए पुनः अधिकारियों को आदेश दिया। सर, जनता का एक इल्जाम यह भी है या कि आंकड़ेबाजी है या कोई सच्चाई है, क्या यह काम 2019 में होगा इलेक्शन के समय में या ये बीजेपी सरकार के बाद होगा? कौन सा काम? चाहे वो अयोध्या निर्माण का मामला हो और चाहे वो आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन का मामला हो और चाहे आपका बस का मामला हो, जनकपुर तक बस का मामला हो। देखिए 2019 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं। जैसे सरकार के प्रदेश में बनी है, उससे पहले केंद्र में सरकार थी, लेकिन काम होने, जो सरकारें थी प्रदेश में उनका रुचि नहीं थी काम करने में, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। अब वो काम तेजी से शुरू हो रहा है, धरातल पर नजर आएगा आपको 6 महीने के अंदर, नजर आएगा आपको धरातल पर। हम दावे के साथ कहते हैं और हम लोग हवाबाजी नहीं कर रहे, हवा में बात नहीं कर रहे, हम लोग जमीन पर धरातल पर काम कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, जो पैसा अयोध्या के लिए आ रहा है वो आना पाई उसका हिसाब मिलेगा और ईमानदारी के साथ वो काम नजर आएगा। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और इधर 1 साल पूरा हो रहा है, उन्होंने राम मंदिर निर्माण की बात कही थी और उसी धर्म के नाम पे वोट लिया जनता से और इधर कोई भी काम सामने नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? काम बहुत नजर आ रहा है, काम बहुत किया जा रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है, लेकिन राम मंदिर ऐसा विषय है जब ये उच्चतम न्यायालय में ये पेंडिंग है तो उसका जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आप कानून को कैसे तोड़ेंगे? आपके पास में संविधान है, कानून है, आपको उसका पालन करना है। निर्णय आ जाएगा, राम मंदिर शुरू हो जाएगा। क्या राम मंदिर का इतना बनना ही है? क्या 2019 में दोबारा बीजेपी सरकार राम मंदिर निर्माण के नाम पे वोट मांगेगा? बीजेपी सरकार अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है और काम के नाम पर वोट मिल रहा है। अभी आपने देखा कर्नाटक के अंदर 54 सीटें बढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की। सरकार नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन हमने वहाँ पर सफलता प्राप्त की है। हम लोग 104 सीटें जीते जहाँ हमारी 33 सीटें थी। निश्चित रूप से जनता पसंद कर रही है भाजपा को और आने वाले समय में फिर प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी। बताइए, धर्म सेना का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे और जल्द ही राम मंदिर का निर्माण करेंगे, इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए, मैंने कहा था, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि हम लोग संविधान से बंधे हैं, हम कानून के राज में काम करते हैं और यहाँ कोई जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो राम मंदिर काम जल्दी शुरू। सर, जिस प्रकार से जनता कह रही है अगर 2 महीने का राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आगे जो भाजपा सरकार 72 सीट पाई है वो 3 सीट। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को गलतफहमी है और ये लोग पहले भी ये बात होती थी और आज भी हो रही है। निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण तो प्राथमिकता है हम अयोध्या वासियों की, लेकिन वो संविधान के अंदर, कानून के अंदर। जनपद फैजाबाद के तहसील सदर में घाघरा नदी के दाएं तट पर स्थित अयोध्या बिलोर घाट तटबंध की किलोमीटर 1 किलोमीटर 750 मीटर पर तटबंध की सुरक्षित 1 अदद बोल्डर स्लिपर के निर्माण की परियोजना, ये परियोजना 659,07 करोड़ और 1 जनपद फैजाबाद तहसील सदर में घाघरा नदी के दाएं तट पर स्थित अयोध्या बिलोर घाट तटबंध के किलोमीटर ये तटबंध पर हम लोगों ने दिया था और सिंगी ऋषि तक तो ये 38 करोड़ 4 लाख की योजना स्वीकृत और हो गई है। गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या के जो कुंड हैं उनका जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम और उनका पुरातन गौरव लौटे, इसके लिए भी 2,75,00,000 रुपये का DPR बन गया है और मुझे लगता है कि उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा। इस प्रकार से पूरी संपूर्ण अयोध्या का विकास
और अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि अयोध्या बौद्धों का भी तीर्थ स्थल है, जैनियों का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है, गुरु गोविंद सिंह आए थे सरदारों का भी है और हिंदू समाज का है। तो इसलिए अयोध्या को उसकी पुरानी गरिमा स्थापित करने के लिए और अयोध्या के विकास के लिए निरंतर मुख्यमंत्री जी रत्नशील हैं, चिंतित हैं और हम लोग उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि अयोध्या के संत महंतों ने का उन्होंने बहुत बड़े अच्छे तरीके से सम्मान भी किया और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनकर उनका निस्तारण करने का काम भी अधिकारियों को दिया किया। अयोध्या के विकास के लिए और अयोध्या का पौराणिक धार्मिक जो स्वरूप वापस लौटे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार इस पर उनका ध्यान है। पिछली बार जब आए थे तो सरजू आरती उन्होंने शुरू कराई जो पहले से चलती थी, लेकिन उसको सरकारी सहायता प्रदान करके उसका सरकारी उससे जोड़ा सरजू आरती को। आज हमने उनसे अनुरोध किया, हमारे पूज्य संत महंत अयोध्या के पूरे सम्मानित सब संत महंत गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, उन्होंने आमंत्रित किया था और उसमें उन लोगों ने 4-5 मांगे रखी थी जिसमें प्रमुख मांग थी अयोध्या के विकास के लिए कि अयोध्या में सरजू माँ को नाले से विहीन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सब वरिष्ठ अधिकारियों को बुला रखा था, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, राज्य के निर्माण का, और उन्होंने इस पर आदेश किया कि इसको तेज़ी से काम तो चल रहा था पहले से, लेकिन और इसको तेज़ किया जाए और जल्दी इस पर काम किया जाए कि सरजू में नाला कोई ना गिरे, राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण और अमृत जल प्रवाह इस पर भी प्रोजेक्ट तैयार करके तेजी से इस पर काम शुरू हो। तीसरा भी जो 133 करोड़ की योजनाएँ थी उन पर थोड़ा अभी काम स्लो था, उसके लिए भी उन्होंने तेज़ करने का आदेश दिया। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी कि घाघरा जो नदी है उसका नाम राजकीय अभिलेखों में सरजू नदी के रूप में दर्ज किया जाए, ये मांग थी संत महंतों की, उसको उन्होंने स्वीकार करके आदेश किया कि इसको सरजू ब्रैकेट में घाघरा किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएँ थी और साथ में आज सरजू महोत्सव के लिए उन्होंने 10 लाख की सरकारी सहायता की घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो सरजू महोत्सव सरजू जयंती पर हर वर्ष होता है 3 दिन का, और उसका उद्घाटन भी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे 25 तारीख को शाम को 5 बजे। और माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य महंत नित गोपाल जाद जी के 80वें जन्मोत्सव पर 25 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन बड़ा विराट संत सम्मेलन 25 और 26 तारीख को अयोध्या में होने जा रहा है महाराज जी के जन्मोत्सव पर। तो उस जो सम्मेलन की उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके कर कमल शुरू है। महंत रामदास, ये कौन सा स्थान है? निर्भय ये खाड़े का स्थान, ये है नाका हनुमान। महाराज जी, जैसे आज आप लोग योगी जी से मिलने गए थे लखनऊ, वहाँ पे क्या क्या प्रस्ताव आप लोगों ने रखा? उसमें हम दो संस्थानों के माध्यम से गए थे, एक एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विभिचिन सभा जो कि अयोध्या के पौराणिक कुंडों के लिए जो है हमेशा प्रयास करती रहती है विकास के लिए, और दूसरा आंजनेय सेवा संस्थान कि सरजू जयंती महोत्सव का 25, 26, 27, 28 आयोजन है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और 25 तारीख को शुभारंभ भी करेंगे सरजू पूजन के साथ। और संस्था के आवेदन पर उन्होंने सरकारी अनुदान भी 10 लाख देने की घोषणा की है, और इसके साथ साथ एडवर्ड विवेचनी सभा के 5 बिंदुवार जो हमारी मांगे थी उनको उन्होंने मांग पत्र ले लिया और उसकी उन्होंने सराहना भी किया और कहा इस पर हम कार्य करें। प्रथम था कि अयोध्या के चारों तरफ जो पंचकोशी परिक्रमा है, अयोध्या की जो आध्यात्मिक धार्मिक सीमा है, उसके अंदर कोई मांस मुद्रा की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और पंचकोशी 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमा पर चौड़ीकरण करके उसका मर्यादित विकास और उसके साथ साथ दोनों तरफ वृक्षारोपण और आपका वो फलदार वृक्ष और उसके साथ साथ दोनों तरफ वृक्ष और वृक्ष के साथ यात्री निवास और इसके बाद राम पैड़ी पर अविरल धारा बहती रहे इसके लिए हर की पैड़ी की तर्ज पर
उसका निर्माण हो जिससे कि पानी हमेशा बना रहे, स्वच्छ जल हो। और सरयू जी का जो नाम जो आपके पत्रावलियों में नक्शे में घाघरा अंकित है उसे सरयू कहें। और इसके साथ साथ जो है सरयू में जो गंदे नाले पड़े रहे, बड़ी बड़ी नालियां पड़ रही, उनको अलग मोड़ करके उनका खेती के कामों में, अन्य कामों में तमाम ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके काम किया जाए और सरयू को अयोध्या से लेकर के और राम घाट तक शुद्ध और सुंदर बनाया जाए घाटों को, और जल जो है शुद्ध रहे जिससे कि हम लोग ठाकुर जी को चरणा में स्नान कराते हैं, ठाकुर जी की रसोई बनवाते हैं, तो हमारी अयोध्या की महिमा और गरिमा बनी रहे इसके लिए हम लोग मिले। और उस पर उन्होंने कहा कि बहुत प्रशंसनीयकार हुआ कि इतने बड़ी संख्या में संत लोग आए। तो आज उसमें महंत कमलनयन दास जी महाराज, महंत राजकुमार दास जी महाराज, महंत सुरेश दास जी महाराज, महंत भरत दास जी महाराज, महंत गिरीश दास जी महाराज और अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी सहित लगभग 2 दर्जन संतों के साथ हम सब अपनी मांगों को लेके गए और बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई और मुख्यमंत्री जी इसको सहर्ष कर। क्या राम जन्मभूमि मामले राम जन्मभूमि से संबंधित कोई बात नहीं हुई? नहीं नहीं, चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में ये बात करना हमारे ख्याल से इस समय ठीक नहीं होगा। जब न्यायालय ने मन बनाया है कि अब सुनवाई करेंगे और हर हफ्ते सुनवाई हो रही है, 6 जुलाई को अगली पेशी भी लगी है, हम प्रत्येक पेशी में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से जा रहे हैं, तो इसी स्थिति में हमको तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई चर्चा की जाए, क्योंकि अब चर्चा राम जी तो हम लोगों के आराध्य हैं और अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, हमेशा हिंदू समाज उसके लिए प्रयासरत है, तब आज तक यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अब चूँकि सबसे ऊँची अदालत में ये मामला चला गया और हम लोग तीनों पक्ष वहाँ पहुँच करके सुनवाई में उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब निर्णय जल्दी आएगा और राम मंदिर के पक्ष में आएगा, ऐसा हमें आशा और विश्वास। क्योंकि अयोध्या के संत लोग इस समय जो है योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा कहीं आया नहीं। कोई भी संत किसी से क्यों ना, वो भी तो साधु हैं, वो भी तो किसी अखाड़े द्वारे से हैं, इतने बड़े मठ के महंत भी हैं तब बाद में मुख्यमंत्री, पहले वो संत हैं महंत है। और हम सबके भाई गुरु भाई, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं। और हमें हर्ष और गर्व है कि एक संत ने सत्ता संभाली तो अयोध्या सहित विभिन्न तीर्थों पर वो काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में नाराजगी की कोई बात नहीं। बताइए स्थान का नाम तो श्री महान डागडा स्वामी भरतदास जी उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली अयोध्या। महाराज जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कल आप लोग योगी जी से मिले, इसमें वहाँ पे क्या बातें हुई? योगी जी का अयोध्या के प्रति बहुत अच्छा चिंतन था, अयोध्या का सर्वांगीण कैसे विकास हो। महाराज जी का चिंतन यह था कि अयोध्या जो सदियों से पीछे चल रहे हैं, भारत के अनेक सरकार आए परंतु उन्होंने अयोध्या के प्रति उनका जो दृष्टि होना चाहिए वह दृष्टि नहीं रहा, परंतु महाराज जी का दृष्टि यह है कि अयोध्या को सर्वांगिक विकास किया जाए। जैसे अयोध्या के सरजू घाट, राम घाट, पर्यटक क्षेत्र, प्राचीन जितने भी सरोवर हैं उनका जीर्णोद्धार, और अयोध्या में महाराज जी ने कहा देखो कभी भी बिजली 24 घंटा नहीं आता था, आज महाराज जी का अथक प्रयास से बिजली 24 घंटा, मैंने उनका यह हम बहुत अच्छा चिंतन लगा कि अयोध्या का विकास हो, पूरे वर्ल्ड में अयोध्या छा जाए, अयोध्या अपने धरोहर पौराणिक इतिहास को फिर स्थापित करे। और आने वाले दीपावली में उन्होंने कहा कि हम लोग का चिंतन है कि विश्व का कोई न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ बुलाकर दीपावली महोत्सव में भी उनको बुलाया जाए और उनके द्वारा ही दीपोत्सव मनाया जाएगा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएंगे वो। क्या राम जन्मभूमि से संबंधित कोई वार्ता हुई? नहीं, राम जन्मभूमि का देखो, राम जन्मभूमि को मैटर बनाने का कोई विषय ही नहीं होता है, राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो शासन प्रशासन केंद्र राज्य सब मानेंगे, जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो भी सरकार होते हैं
वो संविधान से इतर नहीं होते हैं, सभी को संविधान को पालन करना पड़ता है। तो राम जन्मभूमि का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, सरकार का कोई विषय ही नहीं।